एक वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी की लगभग 100 मार लगती है। हाँ, अंतिम प्रहार उसे अवश्य गिरा देता है। तो क्या पहला प्रहार निष्फल हो गया? नहीं, पहले प्रहार ने चिन्ह बनाया और दूसरे प्रहार ने उसे और गहरा कर दिया, और इसी प्रकार हर प्रहार उस वृक्ष के तने को इतना दुर्बल बना देता है कि अंतिम प्रहार वृक्ष को धराशायी कर जाए। इसलिए यदि आपका पहला प्रहार असफल हो जाए तो स्वयं को असफल मत समझो, प्रहार करते जाओ, अर्थात सफलता के लिए फल की कामना ना करें। हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। स्वर्ण को भी कुंदन बनने के लिए ताप सहना होता है, हीरे को भी चमक पाने के लिए शान पर स्वयं को घिसना पड़ता है। इसीलिए यदि सफलता की चमक चाहिए तो परिश्रम करना पड़ेगा और कठिनाइयों का ताप सहना होगा। सुनीर में और बाण शेष है या समाप्त हो गए पांचाल नरेश? सम्राट, एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारे इस मित्र कर्ण का कोई तोड़ नहीं ना। कर्ण का कोई सामना कर सकता है तो वो केवल अर्जुन है, परंतु पता नहीं पशुपतास्त्र की यात्रा में अब वो किस मोड़ पर होगा। भोले हो तुम कौंते? जिस अस्त्र से मुझे मारा जा सके वो तुम्हारे पास नहीं है, परंतु जिस अस्त्र से तुम्हें बांधा जा सके वो अस्त्र मेरे पास है। साधारण नारी नहीं हूं मैं, यक्षिणी हूं, वरदान प्राप्त यक्षिणी। इस कर्ण के सामने हमारा हर प्रहार असफल है पिताश्री। समय आ गया है पांचाल के सबसे घातक अस्त्र को प्रस्तुत करने का। अब भी समय है पांचाल नरेश, हस्तिनापुर की अधीनता स्वीकार कर लो। जिसकी पुत्री द्रौपदी ने इतना सब कुछ सहने के पश्चात भी दासी बनना स्वीकार नहीं किया, तो फिर उसका पिता द्रौपदी दास बनना कैसे स्वीकार कर सकता है? पांचाल नरेश द्रौपदी का सर कट सकता है परंतु झुक नहीं सकता। मुझे युवराज दुर्योधन के चरणों में राजाओं के मस्तक चाहिए। झुके हुए मिले तो उत्तम, अन्यथा घटे ही सही। Thank you.
कैसा अंधकार है, कैसी माया है ये। प्रहार प्रहार करो अंगराज, प्रहार करो। कौन है ये? ये द्रुपद का वार। पांचाल का प्रहार है। करो, बच सकते हो तो बचो। एक स्त्री पर अस्त्र उठाना किसी भी योद्धा के धर्म के विरुद्ध है। अब क्या करोगे मित्रगण? क्या स्त्री पर अस्त्र न उठाने के कारण हम दिग्विजय का पहला ही युद्ध हार जाएंगे? रुको मत अंगराज, युद्ध करो, क्योंकि जब तुम युद्ध करोगे तब तुम पराजित होगे, और जब हस्तिनापुर पराजित होगा तभी वो आएगा। हे
उसके आने की बात कर रही है। तुम सबको बंदी बनना होगा, तभी वो आएगा, तभी मेरे जन्मों का प्रतिशोध पूर्ण होगा। मामा जी, ये किसकी बात कर रही है? किसे लाना चाहती है वो यहां पे? मेरा प्रतिशोध पूर्ण करने के लिए उसे आना ही होगा। कवच तुम्हें प्रहार से बचा सकता है अंगराज, परंतु कब तक? तुम्हें हारना ही होगा। कौन हो तुम वीरांगना, और किसके आने की बात कर रही हो? आपसे तो मेरा कोई बैर नहीं। मेरे पुत्र से बैर कर तुमने मुझे अपना बैरी बना ली। बताओ कौन हो तुम, अपना परिचय दो। अंगराज, यह शिखंडनी है, शिखंडनी। मेरी पुत्री, युद्ध करो अंगराज, क्योंकि पांचाल में वीरों का परिचय उसके युद्ध कौशल से होता है, उसके पुरुष या स्त्री होने से नहीं। और यदि लड़ने का साहस नहीं है तो बुलाओ उसे, मेरे सामने लाओ। मैं एक स्त्री पर अस्त्र नहीं उठा सकता, और ये पता नहीं किसे लाने की बात कर रही है। परिश्रम का समय है पुत्र अर्जुन, हमारा लक्ष्य कैलाश है। जाओ, कैलाश का मार्ग उस ओर है।
जाओ अर्जुन, कैलाश की ओर प्रस्थान करो। विजयी भाव, यशस्वी भाव, सफल भाव। अपने पुत्र के मार्ग से मैंने बाधा हटा दी, अब अपने पुत्र के शत्रु के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना ही मेरा लक्ष्य होगा। सावधान कर्ण, देवराज इंद्र अपना प्रतिशोध लेकर रहेगा। कर्ण, प्रहार करो। यदि तुमने प्रहार नहीं किया तो मैं प्रहार करूंगा। नहीं युवराज, नहीं। यदि तुम प्रहार नहीं करोगे तो मैं करूंगी। गया वो, आज मेरे जन्मों का प्रतिशोध पूर्ण होगा। भूल गए मेरा अपमान, मेरे अस्तित्व का नाश। स्मरण है वो अपमानित अम्मा जिसे न प्रेम मिला न पति। स्मरण है वो अबला अम्मा जिसके स्वयंवर से एक टूटी हुई वस्तु के भांति उठाकर तुम ले आए। स्मरण है वो अम्मा जो अपने अपमान के प्रतिशोध के लिए हर वीर के पास गई, हर योद्धा के पास भटकी। स्मरण है वो अम्मा जिसने तुम्हारी नाश की प्रतिज्ञा लेकर अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया। हाँ भीष्म, मैं उसी अम्मा का पुनर्जन्म हूं। शिखंडनी, शिखंडनी, शिखंडनी।